फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में आज हेपेटाइटिस वीक के चलते लोगों को किया गया जागरूक और बताए हेपेटाइटिस के लक्षण, साथ ही इससे बचने के उपाय। आखिर हेपेटाइटिस होता क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में आज हेपेटाइटिस वीक के चलते लोगों को जागरूक किया गया और उसके लक्षण और साथ ही इससे बचने के उपाय बताए गए। आखिर हेपेटाइटिस होता क्या है, किससे अत्यधिक होता है ये, शराब का सेवन करने से, विषाक्त पदार्थ, कुछ दवाएं और कुछ चिकित्सा स्थितियां हेपेटाइटिस का कारण बन जाती हैं। हालांकि हेपेटाइटिस वायरल के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वायरल हेपेटाइटिस के सबसे आम प्रकार हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस शरीर में प्रतिरक्षा कोशिकाएं लीवर पर हमला करती हैं। वायरस जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी बैक्टीरिया या परजीवियों से संक्रमण, शराब या जहर से लीवर को नुकसान करती है। हेपेटाइटिस बी से बचने का तरीके, HBV टीका लगवाएं, खूब सारा तरल पदार्थ पानी पिएं, स्वस्थ संतुलित आहार खाना खाएं, पर्याप्त आराम करें और शराब से बचें और हेपेटाइटिस बी और अन्य STD से खुद को बचाने में मदद करें। इस तरह से आज जागरूक किया गया है मरीजों को, जैसा कि पीलिया के प्रति समाज में काफी तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, जैसे पीलिया झाड़ने से सही हो जाता है या काला पीला धागा बांधने, पीला कपड़ा पहनने, ये सब चीज़ें कई मतभेद हैं, अब भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। तो पीलिया एक जो कारण, तो उसके बहुत सारे होते हैं, लीवर इसका एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वायरल या किसी दवा या अल्कोहल, इन कई कारणों से पीलिया का होना पाया जाता है। क्योंकि जो एक सरकार द्वारा कार्यक्रम जो है वायरल हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू हो रही है फैल, जिसका दूरगामी परिणाम काफ़ी खतरनाक होते हैं, फेलियर हो जाते हैं, इवन कैंसर तक रिपोर्टेड है, कैंसर तक हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी में ना रह के लोग झाड़ फूँ या अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ के इसकी प्रॉपर जांच कराएं, और जांच हमारे यहाँ जिस मेडिकल कॉलेज लेवल पे लगभग सभी तरह के उपलब्ध हैं और इनकी दवाइयाँ पॉसिबल हैं, हेपेटाइटिस बी सी की हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, इनका प्रॉपर तरीके से आप उपयोग करें और सारे समाज में सबको जागरूक करें कि पीलिया के प्रति, काला पीलिया या उस तरह कोई बीमारी नहीं होती, ये सब एक वायरल बीमारी है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे यहाँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो 28 जुलाई को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में वर्ल्ड हेपेटाइटिस वीक के रूप में आज 30 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित किया, जो एक प्रोग्राम है सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत जो ट्रीटमेंट और जो मरीज का इलाज और दवाइयां वो सरकार द्वारा दी जाती हैं, वो उनकी जागरूकता और बीमारी के लक्षण, लिवर से ग्रसित बीमारी के लक्षण और जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का जो प्लान है इस टाइम टू एक्शन एक थीम पर सरकार वर्क कर रही है कि अब मरीजों को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक किया जाए और उनको उचित उपचार समय के साथ दिया जाए, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा बी और सी का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है, उसकी संपूर्ण जांच हमारे यहाँ की जा रही है तथा उससे संबंधित जो जाँचें यहाँ पॉसिबल नहीं है उनको आगरा के लिए भी, जो हमारे रजिस्टर्ड लैब है आगरा में, उससे किया जा रहा है SNMC आगरा में। जो ट्रीटमेंट सरकार द्वारा बी और सी का है वो हमारे यहाँ दिया जा रहा है, एक पोर्टल के थ्रू वो ट्रीटमेंट सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें जो एट प्रेजेंट जो बी के जो मरीज चल रहे हैं वो मरीज करीब 70 के करीब बी के मरीज जो ट्रीटमेंट पर हैं, और करीब 40 के मरीज जो हैं सी के लगभग, वो ऑन ट्रीटमेंट है, वो सरकार द्वारा ट्रीटमेंट जो आ रहा है उससे मिल रहा है। हेपेटाइटिस बी में ट्रीटमेंट एक लंबे समय तक चलता है, उसकी थेरेपी 1200 रुपये करीब कॉस्ट पड़ती है जो सरकार देती है। हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट है वो मिनिमम 3 मंथ से 6 मंथ चलता है, वो भी सरकार द्वारा दिया जाता है, वह भी काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट है। मेन हमारा इस आज का ये उपचार और इसके बारे में जागरूक करने का जो निश्चय लिया था, उसमें ऐसा है कि मरीजों को ये बताना कि ये फैलता कैसे है। नॉर्मली जो बी और सी है, जो संक्रमित सुई, ब्लड, किसी के ब्लड चढ़ने से
जो संक्रमित है मरीज उनका, उन चीज़ों के कॉन्टेक्ट से ज़्यादा होता है। ऐसे मरीज में पीलिया डेवलप होना, भूख न लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा मन रहना, ये सारे लक्षणों के साथ मरीज आता है। ये मरीज तुरंत की स्थिति में नहीं आता है, कई बार ये 6 से 8-10 महीने बाद आता है, या कभी कोई जांच या ऑपरेशन के लिए कराई जाती है तब पता चलता है। ऐसे मरीजों का जो बी और सी का इलाज है वो पूर्ण रूप से अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बाकी मरीजों को जो जागरूक किया गया वो इसी बीमारी के लिए किया गया।